गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हरि ओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 14 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में आज के दिन एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 7.5% की तेजी देखने को मिली है। एक महीने में 18%, 3 महीने में 58% और 6 महीने के अंदर 100% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिले हैं और एक साल में इस स्टॉक में 213% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लगातार इस स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिली है जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है 660 रुपीज। 660 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम है। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 570 रुपीज। 570 रुपीज से इस स्टॉक में नीचे का एक बड़ा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा था जहां पर जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 615 रुपीज, 615 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 700 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा।